स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा। रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन के लिए हम लोग कुछ मीठा बनाते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल पिन खजूर लिए हैं, सॉफ्ट वाले लिए हैं। इसके साथ ही हमने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। और सिर्फ दो चीज़ों से हम लोग आज की जो मिठाई बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, शुगर फ्री बनेगी। डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत हेल्दी होती है। और हम लोग बिना घी के, बिना चीनी गुड़ के इस मिठाई को बनाकर रेडी करेंगे और बहुत ही मिनटों में बनकर ये मिठाई रेडी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो बादाम हमने लिए हैं इनको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। बादाम रोस्ट करने से पहले हमने जो पिन खजूर लिए हैं इनको वॉश कर लेते हैं और 5-10 मिनट इनको पानी में भिगो कर रख लेते हैं। कुछ जो भी इनमें डस्ट वगैरह लगी होगी वो पानी के साथ निकल जाएगी और ये बाहर से और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको एक बाउल में हम लोग वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इनको पानी से निकाल कर इनके सीड्स रिमूव कर देंगे। तो अच्छे से इनको वॉश करना है ताकि जो प्रिजर्वेटिव इनको पैकिंग के समय यूज़ करा गया हो इनके लिए वो भी पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह से 5 मिनट हम लोग इनको पानी में डालकर रखेंगे, उसके बाद इन्हें छन्नी में निकाल देंगे। तब तक हम लोग बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। बादाम रोस्ट करने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और गैस को स्लो फ्लेम पर कर लिया है। घी तेल किसी का यूज़ नहीं करेंगे, बस इनको ड्राई रोस्ट करना है और तब तक करना है 4-5 मिनट जब तक कि इनका जो छिलका है वो चटकने ना लगे। इसका ये सिंबल है कि बादाम अंदर तक रोस्ट हो गए हैं। तो 4-5 मिनट में ये अच्छे से सिक जाएंगे अंदर तक। गैस को स्लो फ्लेम पर ही रखना है। बादाम रोस्ट हो गए हैं, देखिए इनके छिलके चटक गए हैं। अब गैस को करेंगे बंद और इनको एक बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। बादाम रोस्ट की गई बाउल में निकाल दी थी और इसलिए ठंडी हो गई हैं। और इसके साथ ही हमने वॉश करके 5 मिनट इनको भिगो कर रखा था, उसके बाद इनके सीड निकाल दिए हैं। अब ये सीडलेस हैं। सबसे पहले हम लोग एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में हम लोग जो रोस्ट किए हुए बादाम हैं उनको दानेदार हम लोग पीस लेंगे। पल्स मोड पर रोक रोक के 2-3 बार चलाना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, बस दानेदार पीसना है। बादाम को हमने मिक्सी के जार में डालकर एक दानेदार पाउडर रेडी कर लिया है। इसको हम लोग एक बाउल में निकाल देंगे। और अब हम लोगों ने जो पिन खजूर सीडलेस करके रखे हैं उनको इस जार में डालकर हम लोग उनको भी पीस लेंगे। हमने पिन खजूर को भी जार में डालकर पीस लिया है। अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसको अब हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। नीचे हमने इनको जार से बाहर निकाल दिया है प्लेट में। अब हम लोगों ने जो बादाम जार में पीस कर रखी है उसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी मिठाई हम लोगों की आज बनकर रेडी हो रही है, जो कि बिना घी के, बिना चीनी, बिना गुड़ के बनकर रेडी होगी। और जब आप किसी को खिलाएंगे तो बहुत आपकी तारीफ होगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। लीजिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए ये ना तो बहुत टाइट है और ना ही बहुत पतला है। अब इसके जितने पीस हमें बनाना है, छोटा बड़ा जैसा भी आप पसंद करें, तो हम लोग इसके इस साइज के ये पीस बना लेते हैं। देखिए कितने बनते हैं।
लीजिए, ये हम लोगों के 7 पीस बनकर रेडी हुए हैं। अब इनको गोल गोल लड्डू की तरह बनाएंगे। इसके साथ ही हमने छोटी चम्मच से 2 चम्मच सेसमे सीड लिए हैं जो कि रोस्टेड हैं। चलिए अब इनको हम लोग गोल गोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से सारे पीस बनाएंगे। ये हमने सारे पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम लोगों ने जो रोस्टेड सीसमे सीड लिए हैं उनको लेंगे और इनको लड्डुओं को हम लोग इस तरह से कवर कर लेंगे और इसके साथ हम लोगों की मिठाई का 1 पीस बनकर रेडी हो गया है। इसको हम लोग इस तरह से सजाते जाएंगे। देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स से कितनी टेस्टी, हेल्दी और गुड लुकिंग मिठाई बनकर हम लोगों की रेडी हो रही है। कोई भी देखकर ये नहीं बता पाएगा कि ये बिना चीनी, बिना गुड़, बिना घी के ये मिठाई हम लोगों की बनकर रेडी हुई है। इसी तरह से हम लोग सारे पीस बनाकर रेडी कर लेंगे। लीजिए सारे पीस बनकर रेडी हो गए हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राई जरूर करिए। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।